हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। कि हम जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है उसको हम इनवर्स मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल के हम उसको सोल्व करेंगे। कि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है एक्स वाई की वैल्यू निकालते थे, जैसे एलिमिनेशन मेथड था, क्वाड्रेटिक मेथड था, एएस मेथड नहीं होते थे हमारे पास 10th क्लास में, तो हम जो उन लीनियर इक्वेशन उसको हम सोल्व करेंगे, उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे मैट्रिक्स का इनवर्स यूज करके। देखो कैसे करते हैं। कंसीडर द सिस्टम ऑफ थ्री इक्वेशन। हम थ्री इक्वेशन मानते हैं लीनियर इक्वेशन, जैसे ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इज इक्वल टू डी वन। जो ए बी सी है ये कोएफिशिएंट एक्स वाई जेड, जो डी वन है ये कॉन्स्टेंट टर्म है। ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इजिकल टू डी टू। ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इजिकल टू डी थ्री। ये फर्स्ट इक्वेशन। तो लेट ए बी द कोफिशियंट मैट्रिक्स। हम इसके कोफिशियंट लिखते हैं, जैसे ए को हम कोफिशियंट मैट्रिक्स मानते हैं, तो कोफिशियंट आप इसका ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री। और जो एक्स है वो हमने जो ये कॉन्स्टेंट टर्म है, सॉरी जो ये वेरिएबल है एक्स वाई जेड बी द कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स, क्योंकि अननोन है ये वेरिएबल्स हैं, तो ये हमने एक्स से डिनोट किया। और जो बी मैट्रिक्स है वो कॉन्स्टेंट टर्म है डी वन डी टू डी डी थ्री बी द कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट। तो जो ये लीनियर इक्वेशन है हमने इसको अलग अलग पार्ट किया और अलग नाम दिया। जो कांस्टेंट है उसको हमने ए मैट्रिक्स लेट किया है, जो एक्स वाई जेड है वेरिएबल है वो एक्स एक्स वाई जेड है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो बी आपका डी वन डी टू डी थ्री। अब कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। आपके पास 10th क्लास में भी था कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो जैसे यहाँ है वही आपका जो 10th में, तो वही यहाँ पे है। तो 10th में थोड़ा याद करो क्या था, जो कंसिस्टेंट होता था वो सोल्यूशन होता था। अगर सोल्यूशन हो लीनियर इक्वेशन होता तब कंसिस्टेंट होता था। तो हमारे पास दो सोल्यूशन होते थे, यूनिक और इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन, और एक होता था नो सोल्यूशन, वहाँ होता था इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ भी ऐसे ही है, अगर सोल्यूशन तो होगा तो कंसिस्टेंट होगा, अगर सोल्यूशन नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट होगा। तो एनी सेट ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच simultaneously satisfy the given equation is called a solution of the equation a system of linear equation। कि अगर हम उसको सोलो करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, तो उसमें होता है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। जो लीनियर इक्वेशन होती है हमारी में हैव ए यूनिक सोल्यूशन और नो सोल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है तो वहाँ क्या क्या होता है हमारे पास, एक तो होता है यूनिक सोल्यूशन वन सोल्यूशन, एक होता है नो सोल्यूशन एक भी सोल्यूशन कोई सोल्यूशन नहीं है, और एक होता है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन बहुत से सोल्यूशन होते हैं। तो ये होता है हमारे पास। तो इफ़ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए सोल्यूशन, अगर इक्वेशन जो सिस्टम था उसके इक्वेशन का अगर सोल्यूशन है यूनिक और नोट देन इट इज सेट टू बी कंसिस्टेंट। If the system of equation has no solution, then it is said to be inconsistent. ठीक है, अगर यूनिक हो और इनफाइनिट मैनी सोल्यूशन तब तो होता है कंसिस्टेंट, और नो सोल्यूशन होता है तब होता है इनकंसिस्टेंट। तो इससे हम कैसे करते हैं, देखो एक थ्योरम है, ये निकालते कैसे हैं, इसके बाद हम इसको ग्राफ से करेंगे जो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है। उससे पहले हम ये समझना ज़रूरी है कि जो ए एक्स बी है वो निकालते कैसे, उसके बाद हमें पता चलेगा, फिर हम सीखेंगे कि ग्राफ के माध्यम से कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। उससे पहले देखो, इफ़ ए इज नॉन सिंगुलर देन, अगर ए मैट्रिक्स कोई नॉन सिंगुलर है, देन एक्स ए इनवर्स बी इज द यूनिक। तो इसका एक सोल्यूशन होगा एक्स होगा जो ए इनवर्स बी। सोल्यूशन ऑफ द मैट्रिक इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी, जो मैट्रिक इक्वेशन आपकी वो यही है,
जो ax is equal to b है तो a उस साइड इनवर्स चला गया, तो इसका ये यूनिक सॉल्यूशन होता है जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन दी गई है मैट्रिक्स में, सिस्टम ऑफ द थ्री इक्वेशन है तो वो क्या होते हैं ए एक्स इज टू बी के फॉर्म में होती है। तो यहाँ से x वेरिएबल कैसे निकालोगे, ए इनवर्स बी से। देखो प्रूफ है इसका, द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज, जो सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन है वो क्या आपका ए एक्स इज टू बी है, क्योंकि यहाँ देखो ये a, जो कॉन्स्टेंट है वो ए है, जो एक्स वाई जेड है वो वेरिएबल है, तो जब ए इसको हम रो कॉलम में लिखेंगे और ये कॉलम कॉलम, तो जब इनके मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, ठीक है। तो इसलिए ए एक्स इज टू बी की फॉर्म में है ये। तो सिंस ए इज द नॉन सिंगुलर, अगर आपके पास नॉन सिंगुलर है तो ए का डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, क्योंकि हमने मान के चलना है क्योंकि हमने ए इनवर्स चाहिए। फिर प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ फर्स्ट बाय ए इनवर्स वी गेट, हम दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास है ए एक्स और बी है तो प्री मल्टीप्लाई करते हैं, प्री मीन पहले, तो ए इनवर्स यहाँ भी ए इनवर्स, तो ए इनवर्स और यहाँ से ए आ गया ये एक्स, ए इनवर्स बी, तो जो ए इनवर्स ए एक्स होता है, जो ए इनवर्स ए है वो क्या होता आपका आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी बनती है यहाँ एक्स, ये ऐसे कैसे ए इनवर्स बी। और आपको पता है कि अगर आइडेंटिटी की किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वही मैट्रिक्स आते हैं जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो वन होता है आइडेंटिटी वन, वन के मल्टीप्लाई करोगे किसी के साथ, जिसके साथ मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा, तो जो एक्स आया वो आपका ए इनवर्स बी आया, तो एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या बनता है, ए इनवर्स बी, जो आपके लीनियर इक्वेशन है। अगर वहाँ से हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी आए तो ये मेथड हमारे पास ए इनवर्स बी, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि जो ए मैट्रिक्स है वो आपका नॉन सिंगुलर हो, तभी आप ये निकाल सकते हो। ये हम अगले वीडियो में हम ग्राफ से करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए और आप हमेशा आपको याद रहा, कभी भूलें ना आप। तो इन जर्नल If there is a system of n linear equation in n unknown given by ax is equal to, अगर आपके पास कोई linear equation है n तक, कोई भी हो सकती है, ये तो हमने तीन ली है, बहुत सी हो सकती है और बहुत से unknown हो सकते हैं, तो उन सभी के लिए एक ही है ax is equal to b and a is non singular, ए आप ये कंडीशन है कि ए नॉन सिंगुलर हो, ए का डिटरमिनेंट है और डज नॉट इक्वल टू जीरो आए, तभी हम इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। अगर वो जीरो ना आए तो देन द सिस्टम हैज ए यूनिक सॉल्यूशन होगा उसका, गिवन बाय एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ये हर एक इक्वेशन के लिए, ये तो हमारे पास तीन थे, अगर तीन से ज़्यादा भी हो सकती है, एन तक हो सकती है, तो सभी के लिए एक ही फॉर्मूला है कि एक्स इज टू ए इनवर्स बी। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट हम कुछ यहाँ किया है, कुछ हम अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे विद ग्राफ, ग्राफ के माध्यम से, ताकि आप कभी भी भूल नहीं सकते, हमेशा आपको याद रहेगी और आपको ये थ्योरम और इसका बेसिक करना है फेयर कॉपी में। थैंक्स।